की आशीर्वाद का भी कर दिया। आपका स्वागत है बाबू, मैं पंकज। सोचा नहीं था कि कितना अच्छा लगेगा, कितने लोग वो यहाँ आए हैं। और प्रांगण में आइए, यहाँ पे बहुत सारे भक्त बहन और दीदी माँ लोग हैं जिनसे हम जानते हैं कि ये भगवान जगन्नाथ का रथ यात्रा का क्या उद्देश्य है और ये कितने वर्षों से वो लोग यहाँ पे आते हैं। इसी विषय में हम उनसे जान करके चीज़ों को और स्पष्ट समझ के आप लोगों के सामने रखते हैं। आप सबका दिन शुभ हो। भगवान जगन्नाथ और श्री हरि नारायण आप समस्त दर्शकों के मनोकामनाओं को पूर्ण करें। राधे राधे। स्वागत है बाबू, मैं पंकज। कैसा लगा आपको ये भगवान जगन्नाथ जी के रथ यात्रा में आकर के? क्या नाम है आपका? किसके किसके साथ आए हैं आप? मम्मी और भैया के साथ में। आप अपने फ्रेंड को बताएंगी जा करके कि हम इस्कॉन मंदिर गए थे? चलिए, तो क्या कहना चाहेंगे? राधे राधे, बोलिए प्रेम से। गुड। तो आइए, हमारे बीच एक और बहन है, तो आपका स्वागत है। मैं पंकज। तो हमें बताइए कि कैसा लगा आपको आज भगवान जगन्नाथ जी के रथ यात्रा में शामिल होकर के? नमस्कार। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है यहाँ पे, बहुत ही धार्मिक महसूस हो रहा है यहाँ पे। सोचा नहीं था कि इतना अच्छा लगेगा, इतने लोग इसमें इसके पार्ट बनेंगे। मतलब इससे पहले मैं कभी नहीं आई जगन्नाथ के मौके पे, इस्कॉन मंदिर कभी नहीं आई, बट पहले सुनती थी कि हाँ बहुत अच्छा होता है, बहुत लोग पार्ट लेते हैं इसमें, बहुत अच्छे स्तर पे होता है। इसलिए मेरा मन हुआ, मैंने बोला अपनी मम्मी को मुझे जाना है, किसी भी हाल में मुझे जाना है। तो फिर मैं यहाँ आई और बहुत अच्छा महसूस हुआ, इनर पीस फील हो रहा है मुझे यहाँ। तो जैसा कि लोग कहते हैं कि कर्मों के संबंध से लोग मिलते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं कर्मों के संबंध से आप मेरे से बात कर रहे हैं। ओह माय गॉड, अच्छा महसूस हो रहा है मुझे यहाँ के। और ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा, और ये चीज़ देख कर बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हमारे टाइम के यूथ जो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं अपने गोल से, अपने रीज़न से, वो यहाँ आए हैं और धर्म को मान रहे हैं, हमारे धर्म को मान रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सच्ची में अपनी भाषा मिलना चाहिए, ताकि जो लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं अपने रीज़न से, अपने गोल से, वो ना हो। और धर्म हमें बहुत कुछ सिखाता है। अगर आप धर्म की ओर जाते हैं तो धर्म आपको सिखाएगा कि सही क्या है, गलत क्या है, आप कभी गलत रास्ते नहीं जाएंगे। आज के दिवस पे, आज के दिन पे आप अपने मित्र, अपने रिलेटिव्स और समाज और देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बस यही संदेश देना चाहूँगी कि आप एक बार आए, एक बार कोशिश को करें, एक बार भगवान से मिलें, एक बार उनके दर्शन करें, आपको खुद ही महसूस हो जाएगा सब कुछ। मुझे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं कि आपको कैसा लगेगा, कैसा। आपका नाम? मेरा नाम अंजलि है। अंजलि, आप, अंजलि आपको मेरे पूरे टीम की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। श्री हरि नारायण आपको बहुत खुश रखे, आपकी समस्त मनोकामना को पूर्ण करे। आपको भी, और मैं ये चाहूँगी जो लोग यहाँ पे आए उनकी भी हर मनोकामनाएं पूरी हो, सबको राधे राधे। राधे राधे, राधे राधे, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका। नमस्कार। तो बताइए हमारे दर्शकों को कि अपना एक संक्षिप्त परिचय देते हुए कैसा लग रहा है आपको आज यहाँ पे उपस्थित होकर के? मेरा नाम फितिका है, मैं सिक्किम से बिलोंग करती हूँ और मैं रिसेंटली यहाँ पर काम कर रही हूँ।
एंड शी इज़ माई लाइक शी इज़ माई सिस्टर एंड शी इज़ लाइक माई बेस्ट फ्रेंड. तो वो मुझे उसने मुझे बोला था कि आज मंदिर चलते हैं बोलते. तो आई नेवर बीन इन दिस मंदिर बिफोर एंड दिस इज सच अ ब्लेसिंग फॉर मी टू कम हियर एंड टेक अ ब्लेसिंग ऑल्सो. एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी ग्लैड टू सी दैट लॉट्स ऑफ पीपल आर द पार्ट ऑफ दिस टेम्पल. And this is a very huge opportunity to be here and to see all the peoples, to connect with the Lord Shri Krishna. This is a very good thing for me. And yeah, I'm feeling very spiritual and feeling very much peaceful. And I was very much disturbed like 3-4 days before when I came here and I just asked for Lord that I'm going through this business. And this is something, if we talk with someone, okay, this is relax. And this is what something I've been very relaxed now and very much blessing. So by the way, you believe on God, okay? Yeah, I do very much. Okay. So at the same time, what messages you want to give those girls who they don't believe on their religion and they distract up? So, in this generation is what everyone wants to be a fool. Okay, I accept that. Though I have my own life, मेरा भी लाइफ है कि मैं काम भी करती हूँ, मैं पार्टी भी करती हूँ, नोट मस्ती भी करती हूँ, फैमिली को टाइम भी देती हूँ, सब कुछ करती हूँ. बट एट दिस टाइम वेन द बैड डेज टाइम सबसे पहले मुझे भगवान ही याद आते हैं और सबसे पहले मुझे अपना मॉम और डैडी याद आते हैं जब मेरा बुरा वक्त आता है. उसी के टाइम में सबको ही रहते हैं बीन गुरु बट हृदय के टाइम में कोई भी नहीं रहती. देर इज ऑनली वन गॉड एंड देन इज आई थिंक दैट एवरी गॉड आर द सेम. बट आई फील दैट in Sanatan Dharma there is something, you know, that's why everyone is like very much excited, very much energetic to come here and to take a blessing. There is something. So I just wanted to say that in this generation, even a girl also, boy also, do whatever it is, but believe that there is a date and sister and a life and sister. आपके जो पहले बन चुके हैं आपके गुरु जो है और जो आपके लाइफ एंड सिस्टर आपके मॉम एंड डैड, देर आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट. उनको आप रिस्पेक्ट कीजिए, उनके साथ आप टाइम स्पेंड कीजिए, उनके साथ बहुत खुश कीजिए. आपको दुनिया घूमना नहीं पड़ेगा. इफ यू टॉक विद योर मॉम एंड डैड विद अ टेबल टॉक, व्हेन यू गो विद अ टेबल टॉक विद योर मॉम एंड डैड, यू लर्न सो मेनी थिंग्स. यू डोंट हैव टू गो अराउंड हियर एंड देयर, यू लर्न सो मेनी थिंग्स. एंड गो विद द बुक्स ऑल्सो, बुक्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट, इट गिव्स द नॉलेज एंड Oh, by the way, nice talking to you, and you both guys are deserve those, you know. So that's why you got those opportunity. Just few minutes before, sister told me that she is luckier. Actually, everything is happened with God master plan. Yeah, obviously. एकदम. अंतिम सवाल आप दोनों से हमें बताइएगा कि आप उन लड़कियों को क्या संदेश देंगे या उन लड़कों को जो बहकावे में आकर के धर्म परिवर्तन करते हैं, अपने सनातन धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म के चक्कर में पड़ के और उस धर्म को अपनाते हैं, इस पर क्या आप कहना चाहेंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे? आगे तो आपको भी फॉलो करना चाहिए. एंड दिस इज डिपेंड ऑन यू, वी कांट से एनीथिंग, बट यू हैव टू, आई वांट टू से दैट इफ यू आर इन सनातन धर्म, इफ यू आर इन क्रिश्चियन, इफ यू आर अ मुस्लिम, बी विथ योर रिलीजन. एंड आई द मोस्ट थिंग इज दैट नो, डोंट एवर ट्राई टू कन्वर्ट एनीवन टू योर रिलीजन. दैट इज अ वेरी बैड थिंग एंड आई थिंक दैट दिस इज वेरी, इट्स अ क्राइम. यू शुड नॉट डू लाइक दिस. दे आर गोइंग इन देयर वे, यू शुड मोटिवेट दैम, यू शुड पुश दैम their own way. You should not like pull them in your side, because you know their mom and dad is doing everything for them, and in the end they just convert the religion, this and that. I don't like, even I read the Bible also, I go with the Gita also, not exactly Gita, but I have learned so many things. I love to read novels and all, I have learned so many things. There is different parts. सबके पास अपना अपना पावर है, सबका अपना अपना डिसिप्लिन है, सबका अपना अपना चीज़ है. सबको अपना अपना धर्म को रिस्पेक्ट करना चाहिए. गुड, वेरी गुड. आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? आजकल के यूथ अपने धर्म को चेंज करते हैं, इसको मैं बस यही कहना चाहूँगी, क्योंकि वो धर्म चेंज इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको अपने धर्म की वैल्यू नहीं है. उनको पता नहीं है कि हमारे धर्म में क्या कुछ नहीं है, हमारे धर्म में हर कुछ है, हमें अच्छी सब कुछ खाते हैं. पहले आप उसको
को जानूँ, और गलती इसमें कहीं ना कहीं पेरेंट्स के जो इस चीज़ के बारे में अपने बच्चों को बताते नहीं हैं कि हमारे घर में क्या क्या है, तो पहले पेरेंट्स को बताना चाहिए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो इस स्पिरिचुअल के बारे में, इस धर्म के बारे में, हमारे धर्म के बारे में अपने बच्चों को बताएं, उनको इसकी वैल्यू फील करवाएं, तो वो कभी किसी धर्म को अडॉप्ट नहीं कर सकते। एंड द वन लास्ट थिंग दैट अगर आपको ये धर्म में कुछ नहीं मिला तो दूसरे धर्म में जाके कुछ नहीं मिलेगा। क्या बात है, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, इफ यू विल सर्च अ थिंग अगर ढूंढोगे तो भगवान भी मिल जाता है बोले, तो आप ढूंढोगे धर्म में, अगर एक बार ढूंढोगे ना आपको सब कुछ मिल जाएगा, दूसरे धर्म में जाने ही नहीं पड़ेगा। दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग। आप दोनों से बात करके मैं मंत्रमुग्ध हो गया और स्पीचलेस हो गया, मेरे पास अब आगे कोई सवाल ही नहीं है। आपके माता पिता को मेरे पूरे टीम के तरफ से सष्टांग प्रणाम, और श्री हरि नारायण से यही विनती करूँगा कि आप दोनों को श्री हरि नारायण सदैव खुश रखें और आपकी मनोकामनाएं जो है ऐसे ही पूर्ण होता रहे। राधे राधे, राधे, राधे। यात्रा है, इसके विषय में बताइए कि ये क्या है, इसका उद्देश्य क्यों मनाया जाता है और कैसे मनाया जाता है? ये हमारा हिंदू धर्म का बहुत बड़ा धर्म है, ये हर बार हर साल कोई आदमी या उड़ीसा जगन्नाथ नहीं जा पाएगा, इसीलिए मेरा ये लोगों में लोकल में इस्कॉन मंदिर में ये पालित कर रहा है, पाली मेरा प्रभु जगन्नाथ आशीर्वाद लेने आया था, सबको जगन्नाथ जी आशीर्वाद कर कर दिया, हम खुश है, जनता को खुश रहने दें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रशांत। तो कैसा लगा आपको आज यहाँ पे आकर के? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, मन खुश हो गया। ऐसे समय में देश को और समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम और आदमी को बोल रहा है, भगवान का दर्शन करो, भगवान आपको मनोकामना पूर्ण करेगा। आप कितने सालों से यहाँ पे आते हैं जगन्नाथ धाम में? हम हर साल कहीं कहीं नहीं जाता है, इस बार यहाँ पर आता है, हम हर साल हर जगह जाता है। भाभी आपको कैसा लगा यहाँ आके दादा के साथ में? बहुत अच्छा लगा। आप कितने वर्षों से इस्कॉन मंदिर में आती हैं? एक साल। क्या नाम है बाप बोधी का? मेरे पूरे टीम के तरफ से आप दोनों को ढेर सारी शुभकामनाएं ये जगन्नाथ बाबा के रथ यात्रा के पावन मेला में। धन्यवाद।